गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आपने धोरण पांच नी अंदर पुनरावर्तन एक नो अभ्यास करीशुं। प्रश्न एक, निम्नलिखित संख्या के शब्द कोष्टक से ढूंढकर गोल कीजिए, बोलिए और नीचे क्रम में लिखिए। अहीं बेटा संख्या आपी छे, आ संख्या ने तमारे शब्दों में अहीं शोधवानुं छे। शोधी तेना पर चौरस अथवा गोल करवानुं छे अने नीचे आ खाली जगह आपी छे तेमां तमारे शब्दों में लखवानुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों, कई कई संख्या आपी छे ए आपणे जोईशुं। 17, 12, 26, 27, 45, 22, 23, 36, 44, 46, 31, 30, 32। बराबर विद्यार्थी मित्रों, आपने आ संख्या आपी छे एना पर आपणे गोल करवानुं छे। चलो पहली संख्या 17, तो आमांथी शोधो बेटा, तमने 17 देखाय छे? हाँ, तो 17 क्या छे? आयरु। तो एना पर आपणे शुं करीशुं? चौरस। चलो 12, 12 ह। 26, 26, 27, 27, 45, 45, 22, 22, 23, 23, 36। तमने 36 देखाय छे? 36 क्या छे? आयरु। 36, 44, 44 देखाय छे? हाँ आयरु। 44, 46, 46, 31, 31, 30, 30, પછી બીજું 30 પણ આવી રહ્યું બેટા, બરાબર આ 30, 32, 32। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે અહીંયા શબ્દોમાં લખવાનું છે, પહેલું છે 17, તો 17 હ, પછી 12, તો 12 હ, પછી 26, તો તમારે અહીંયા 26। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે અહીંયા લખવાનું છે। હવે આપણે આગળનો પ્રશ્ન જોઈશું। પ્રશ્ન 2, કોષ્ટક મેં સે ઉચિત શબ્દ ચૂનકર બંદર બાટ કહાની કે રિક્ત સ્થાન ભરીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને અહીંયા જવાબો આપ્યા છે ખાલી જગ્યાઓ પૂરવા માટે, બરાબર। તો ખાલી જગ્યામાં શું આવે તે તમારે પૂરવાનું છે। એક બાર કી બાત હૈ, દો બિલ્લિયાથી, એક સફેદ ઓર એક કાલી, દોનો કો ખાલી જગ્યા લગી, દોનો કો ભૂખ લગી, ઉન્હેં એક ખાલી જગ્યા મિલી, ઉન્હોને એક રોટી મિલી, वे एक रोटी लिए झगड़ने लगी, एक रोटली माटे ते बन्ने झगड़वा लाग्या। इतने में एक बंदर आया, एटला में एक कोण आयु बेटा? वांदरो। एटला में एक वांदरो आव्यो। व खाली जगह लाया, व तराजू लाया, उसने रोटी को दो टुकड़े किए। વાંદરા ભાઈ શું લાયા બેટા? ત્રાજવું, એટલે એને શું કર્યું? બે ટુકડા કર્યા રોટલીના, ઉસને ટુકડે મેં તરાજુ મેં રખ દિયા, ત્રાજવામાં એ રોટલીનો ટુકડો
नाख्यो। तराजू का एक पलड़ा खाली जगह था, एक पल्लू भारी हतु अने दूसरो बीजू पल्लू हलकू। भारी पल्ले के टुकड़े से थोड़ा खाली जगह तोड़कर खा लिया, एने थोड़ो टुकड़ो तोड़ी ने खाई गयो। इस तरह उसने खाली जगह रोटी खा ली। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत खाली जगह हुआ, पछतावा हुआ, पछतावा हुआ। एक बार की बात है, दो बिल्लियाँ थी, एक सफ़ेद और एक काली। दोनों को भूख लगी, उन्हें एक रोटी मिली। वे एक रोटी लिए झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया, वह तराजू लाया। उसने रोटी के दो टुकड़े किए, उसने टुकड़े तराजू में रख लिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़े से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को पछतावा हुआ। हवे आपणे आगळनो प्रश्न जोईशुं। प्रश्न 3, मेरी पाठशाला के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, मेरी पाठशाला એટલે આપણે આપણી શાળા વિશે વાક્યો લખવાના છે, બરાબર? તો મેરી પાઠશાલા બહુત અચ્છી હે, મેરી પાઠશાલા બહુત અચ્છી હે, ઇસકા નામ કિસાન માધ્યમિક વિદ્યાલય હે, મેરી પાઠશાલા કા નામ किसान माध्यमिक विद्यालय है। पाठशाला की इमारत अच्छी है, इसमें 10 कमरे और एक सभा भवन है। पुस्तकालय और कार्यालय के लिए अलग अलग कमरे हैं। पाठशाला में 1-8 कक्षा तक की पढ़ाई होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणी स्कूलनी अंदर तो 1-12 छे, पण आपणे आपणी प्राइमरी विभागनुं लखवाणुं छे, बराबर? एटले पाठशाला में 1-8 कक्षा तक पढ़ाई होती है। पाठशाला का समय सुबह 10:40 छे, शाम 4:30 तक का है। मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक बड़ी लगन से हमें पढ़ाते हैं। खेल कूद में भी मेरी पाठशाला का नाम प्रसिद्ध है। हमारी कबड्डी टीम कई बार जीत चुकी है। पाठशाला के सामने खेल का बड़ा मैदान, इसमें सुबह शाम विद्यार्थी तरह के खेल खेलते हैं। मुझे अपनी पाठशाला बहुत प्रिय लगती है। तो विद्यार्थी मित्रों, मेरी पाठशाला तमने अपनी शाला विषे 5-10 वाक्यों लखवाना छे। हवे आपणे आगळनो अभ्यास करीशुं। प्रश्न 4, आपको पाठशाला में क्या क्या पसंद है? विद्यार्थी मित्रों, तमने शाळा में शू पसंद छे एनो जवाब लखवानो छे। मुझे पाठशाला का भवन, बगीचा, भवन एटले बेटा ऑडिटर हॉल, बराबर? तो मुझे पाठशाला का भवन, बगीचा, मेरे अध्यापक और मेरे दोस्त पसंद है। मुझे पाठशाला में मेरे दोस्तों के साथ खेलना भी पसंद है।
विद्यार्थी मित्रों तमने स्कूल में शू पसंद छे ते तमारे लखवानुं छे। मने मारा मित्रों जोड़े फावे, मने मारा शिक्षकों जोड़े फावे, मने बगीचा में रमवानुं गमे छे, मैदान में क्रिकेट कबड्डी वॉलीबॉल जीव रमवानुं मने पसंद छे। मुझे पाठशाला में मेरे दोस्तों के साथ खेलना भी पसंद है। मने मारी शाळा में दोस्तों मित्रों साथे रमवानुं साथे नास्तो करवानुं पण मने खूब पसंद छे। तो विद्यार्थी मित्रों तमारे तमारे जवाब लखवानो। मुझे पाठशाला का भवन बगीचा मेरे अध्यापक और मेरे दोस्त पसंद है। मुझे पाठशाला में मेरे दोस्तों के साथ खेलना भी पसंद है। क्या नापसंद है? तो विद्यार्थी मित्रों तमने शाळा में शू नथी गमतु, शू तमने नथी पसंद ए तमारे लखवानुं छे। तो मुझे अनियमित छात्र ना पसंद। मने स्कूल में अनियमित विद्यार्थी आवे ते मने पसंद नथी। मुझे कठोर अध्यापक ना पसंद है। मने कड़क शिक्षक चिड़ियों करते हैं गुस्सो करते हैं एवो शिक्षक मने पसंद नहीं। मुझे इधर उधर पड़ा हुआ कूड़ा ना पसंद है। मने आम तेम पड़ेलो कचरो पसंद नहीं। कचरो हमेशा क्या नाखवानो होय छे बेटा? कचरा पेटी में। तो मने कचरो आम तेम पड़ेलो पसंद नहीं। इधर उधर कूड़ा फेंकने वाले छात्र भी ना पसंद है। मने कचरो आम तेम फेंके अमुक विद्यार्थियों ने टेव होय बराबर, तो आवा विद्यार्थियों मने पसंद नथी। केवा कचरो आम तेम फेंके, कचरो हमेशा क्या नाखवानो होय छे बेटा? कचरा पेटी में। એટલે મને આવા વિદ્યાર્થીઓ પસંદ નથી। તમારે તમારી જાતે લખવાનું છે કે મને શાળામાં શું પસંદ છે અને શું પસંદ નથી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પુનરાવર્તન એકની અંદર આ ચોરસ બોક્સ જોયું છે, તેની નીચે તમારે લખવાનું છે બરાબર સંખ્યાઓ, પછી બંદર બાટ કહાની, ખાલી જગ્યાઓ છે, મેરી પાઠશાલા જોઈએ આપણે, મેરી પાઠશાલા વિશે તમારે 10 વાક્યો લખવાના છે, પ્રશ્ન 4 જોયો, આપકો પાઠશાલા મેં ક્યાં પસંદ હૈ ક્યાં ના પસંદ હૈ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે તમારી સ્વાપોથીમાં તમારે તમારી સ્વાપોથીમાં પ્રશ્ન એકથી ચાર લખી લાવો, નોટમાં પણ લખવાનો અને સ્વાપોથીમાં પણ લખવાનો। હવે આપણે આગળનો અભ્યાસ આગળના વિડીયોમાં જોઈશું। નમસ્કાર।